दिस इज गुरुदोंग मार्लेक, पर यहां ये कहानी खत्म होती है। कहानी शुरू होती है लद्दाख से। As all of you know, in the last video, I was in Ladakh, and the very next day, I had to catch a flight back to Delhi. और बस इतना ही नहीं, दिल्ली पहुंचने के साथ साथ मुझे वापस बैकपैक करके निकलना था to catch my train towards Udaipur with दीदी and जीजू। और फिर शायर ट्रेन के सफर को पूरा करते हुए अगले दिन सुबह हम पहुंच गए उदयपुर। और पहुंचने के साथ साथ सबसे पहला काम जो हमने किया वो था एक अच्छा होटल खोजना। एंड लकीली वी गॉट वन। आप थोड़े रूम के नजारे चेक कीजिए। तो गाइज मैं तो रेडी हो गया हूँ, अभी 12 बज रहा है। एंड मेरे रेडी होने से क्या फ़र्क पड़ता है, आज लगता है वेदर हमारे लिए रेडी नहीं है, क्योंकि बाहर का सीन कुछ ऐसा है। तो दिख रहा होगा बाहर पूरा बारिश हुए जा रहा है। और फिर जैसे ही बारिश कम हुई, वी बुक्ड अ ऑटो एंड वेंट टू सिटी पैलेस। सो गाइस वी हैव रीच्ड इनसाइड द सिटी पैलेस। और ये सीन यहाँ है कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी गोप्रो से थोड़ा बहुत जितना होगा आई विल डू इट, बाकी देखते हैं। सो गाइज वी जस्ट वेंट इन टू द सिटी पैलेस। एंड अच्छा है, अगर आपको राजा महाराजाओं के बारे में जानना है, उदयपुर का कैसे स्टेबलाइजमेंट हुआ, क्या क्या हुआ, क्या नहीं, सब आप जान जाओगे। एंड फिलहाल वी आर गोइंग टू डू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज द बोट राइड। तो गाइज ये रही टिकट्स बोट राइड की, ये कुछ है, मैं 800 करके पड़ी। आई नो गाइज दिस व्लॉग इज नॉट अप टू दैट लेवल विच आई शुड, बट क्या कर सकते हैं यार, ये बारिश ने पूरा चौपट कर दी। ये तो ड्रोन उड़ाने वाला था और भी बहुत कुछ करने का प्लान है, बट ये देखो बारिश हो ही जा रही है अभी भी, इसलिए गोप्रो से वीडियो बनाना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, लेट्स गो एंड सी कि आप कहाँ चलते हैं। Way towards Haldi Ghati, we stopped by a shop where rose water is processed and made. उसको तो समय एक ड्रॉप डालो जिससे पूरा दिन भर का थकान क्लियर कर देता है। आगे आएगी मैं डाल के दिखाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। और नेचुरल में कि जो आँख प्रॉब्लम करता है उस कंडीशन में हल्का से चलेगा, नॉर्मल आँख में नहीं चलेगा, ठंडा लगेगा।
तो गाइज अभी हम जा रहे हैं हल्दीघाटी युद्ध स्थल पे। आज सारे दिन में मैंने मंदिरों का दर्शन किया, अभी तक फिलहाल दो एंड उसमें कुछ दिखाने लग जा था नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मंदिर वगैरह में कैमरा फोन कुछ भी अलाउड नहीं है, तो यहीं रख के जाना पड़ेगा। पहले हम गए थे एकलिंग मंदिर एंड उसके बाद गए थे श्रीनाथ जी के मंदिर एंड फिलहाल जा रहे हैं बादशाही बाग, यहाँ पे आपका युद्ध हुआ था हल्दीघाटी का। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। यहाँ पे आई होपफुली थिंक कि कैमरा वगैरह अलाउड है, लेट्स गो एंड सी। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर हल्दीघाटी युद्ध वाज फॉट एक्चुअली एंड बाकी नज़ारे बहुत ही सही है, यहाँ के बहुत ही कॉल्म एंड पीसफुल है। सबसे लकीली आज वेदर भी कॉल्म है तो हमें भी अच्छा लग रहा है घूमने में। तो गाइस बारिश शुरू हो गई है, अभी निकलते हैं यहाँ से एंड फटाफट चलते हैं लंच की ओर बिकॉज बड़ी ज़ोरदार भूख लग रही है मुझे। तो से काट दिए थे तो खून का पूरा नाला बह गया। जून का महीना था, बारिश गिरी थी तो बारिश गिरने के साथ लाशें कटी हुई थी तो पानी के साथ खून मिक्स होके जो मिनी डैम भरता था वो डैम भर गया था। इसका नाम था रक्त तलाई, मतलब तलाई जैसा लाल लाल खून का दरिया बह गया था। फिर भागते हुए पे महाराणा प्रताप कभी अटैक नहीं करते थे तो मान सिंह में चाल चली, ये छापामार युद्ध में भारी पड़ रहे थे तो जब उन्होंने चाल चली भागने लगे तो ये जोश में होश खो बैठे, तो आदिवासी बिल थे ना, जोश में होश खो पर उनके पीछे पीछे दौड़ ली। तो जो बनास नदी आती, नदी जो अपने को दिखी थी उसके साइड में एक सेना की टुकड़ी, मतलब एक लश्कर 80,000 का एडवांस में रखता है ये क्या मान अकबर, ताकि कोई सेना अपनी हारती है तो दूसरी वाली सेना की टुकड़ी उस पर धोखे से आक्रमण करके उसको जीत देती। होटल की ओर जाते हुए हम अभी रुके हैं श्रीनाथ जी की प्राचीन मंदिर में एंड अभी इसके भी दर्शन कर ही लेते हैं एंड उसके बाद फिर सोच रहा हूँ यहाँ पे रुक के 5-10 मिनट फिर ड्रोन वगैरह उड़ाऊँगा, उसके बाद घर की ओर मतलब होटल की ओर रवाना। वैसे हम जा रहे थे होटल की ओर ही बट मंदिर दिखा एंड ड्राइवर साहब ने कहा बहुत ही अच्छा मंदिर है, सोचा कि दर्शन करते हुए चलते हैं। सो गाइस अभी हम आए थे भारतीय लोक कला मंडल एंड वो जो पपेट शोज़ वगैरह होते हैं ना, आपने देखे होंगे राजस्थानी पपेट शोज़ वगैरह एंड फोक डांस वगैरह, हम जा रहे हैं फिलहाल वो देखने। वीडियोग्राफी के लिए 60 रुपये अलग से देने पड़ते हैं एंड फॉर नॉर्मल टिकट पर्पसन इज़ 120 रुपीज़ एंड बाकी दीदी एंड जीजू वो गए मार्केट शॉपिंग करने, मुझे शॉपिंग करनी नहीं थी तो मैंने सोचा तब तक मैं चल जाता हूँ एंड थोड़ा इन्जॉय कर लेता हूँ। ड्राइवर साहब ने कहा कि आप कला मंदिर चल जाइए, मन लग जाएगा, चलते कला मंदिर, एक घंटे का शो है, देखते क्या होता है।
guys, good morning from Udaipur, and this is the third day of our trip, and probably the last day of our trip. Probably क्या last day है, और शाम को train है, वापस निकल जाएंगे. फिलहाल आए थे इस घाट पे, एक मंदिर है and वहाँ प्री वेडिंग शूट्स वगैरह चल रहे हैं, बाकी सब बढ़िया. ऑल ओवर बहुत ही अच्छा प्लेस है, एंड ट्रिप में सबसे बेस्ट प्लेस मैं तो कहूँगा यही है. ठीक, हमारे होटल के पीछे है एंड घाट टाइप का है, एक मंदिर है एंड बाकी बहुत ही अच्छे अच्छे सीनारी है. एंड यहाँ रूट कमिंग हो गया एंड यहाँ से चलते हैं. फिलहाल तो बहुत जोरों की बारिश होने लगी. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. तो सुबह सुबह जैसे कि आपने देखा, हम घाट पे गए थे, पीछे में ही है, एंड वापस वहाँ से आ गए एंड फ्रेश व्रेश हो गए. अभी इट्स ऑलमोस्ट नियर 10:30 एंड 10:30 का ही चेकआउट था अपना. So it's time to say goodbye to this beautiful state. Have a look. सब ले लिया मैंने एंड अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं. अच्छा, ऊपर उठ के पहले नंबर लगवा देंगे. वहाँ उतरो ना, वहाँ रिटर्न का नंबर लगवाना, यहाँ जाओ तो यहाँ ऊपर जाने वाला नंबर लगवा, रूम नंबर. तो फिलहाल हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, बिकॉज अभी 122 नंबर है वहाँ. उस बोर्ड पे जब 133 नंबर आएगा तब हम जाएंगे. एंड भाई देख, हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको बताया नहीं. वी आर गोइंग टू कनिका माता टेम्पल, जो कि उस ऊपर पहाड़ पे है. उस साइड में सीढ़ियाँ भी है, अगर आप जाना चाहो भाई सीढ़ियाँ जा सकते हो, वरना रोपवे से जाओ. सामने टेम्पल इस तरफ से. गाइस हम आए हुए थे मंदिर के ऊपर, नजारे यहाँ से कुछ ऐसे. ये जो नज़ारा है यहाँ से बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो उठ के जाने का मन ही नहीं कर रहा. थोड़ी हवा चलती तो और भी अच्छी लगती, बट फिर भी परफेक्ट लग रहा है. तीन टिकट क्या है? तो हम पहुँच चुके हैं सहेलियों की बादी और बारी, क्या बोलते हैं उधर, तो नाम पढ़ेंगे तब पता चलेगा. सहेलियों की बाड़ी से ज़्यादा कुछ था नहीं, आपने देखी ले क्या था क्या नहीं. एंड फिलहाल चलते अपने फतेह सागर लेक, जहाँ पे मेरा जाने का मन है, बिकॉज उदयपुर आए एंड पिछोला लेक घूमे एंड फतेह सागर लेक नहीं घूमे, तो क्या खाक उदयपुर है. तो फिलहाल चलते हैं फतेह सागर लेक की तरफ.
गाइस आई होप यू लाइक द डोंट वॉच ओवर देयर एंड बस अभी फतेहसागर लेक पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड यहाँ से निकलेंगे, निकल के वी विल गो बैक टू होटल एंड फिर मेरा पिछोला लेक पे भी थोड़ा ड्रोन उड़ाने का मन है, देखता हूँ कैसे कैसे सीन्स बैठते हैं। यहाँ तो अच्छे से ड्रोन उड़ा, बहुत ही मज़ा आया। पिछोला लेक पे भी अगर चांस मिल गया तो उड़ा लेंगे एंड उसके बाद यहाँ से फिर होटल, होटल से अपना घर, फिर होटल से स्टेशन, स्टेशन से अपने घर जाना है वापस। सो गाइस आई जस्ट सिंपली होप दैट यू हैव एंजॉयड द उदयपुर ट्रिप विथ मी एंड बस अभी होटल में बैठे हैं, थोड़ी देर में ऑटो आने वाली है अपनी जो अपने को स्टेशन ड्रॉप करेगी, तो वही 4:30 तक स्टेशन पहुँचेंगे एंड 6:00 समथिंग का ट्रेन है, 6:40 और 6:25 ऐसे कुछ का ट्रेन है एंड फिर ट्रेन पकड़ के बैक टू दिल्ली। एंड यस इसके बाद कहाँ जाने वाला वो भी आपको पता चलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये सब चीज। एंड फिलहाल के लिए तो बहुत ही गर्मी लग रही है एंड इतने दिन बारिश में बिताया, 2 दिन जो उदयपुर में थे अपने बारिश हुआ एंड आज का दिन जाके जब अपने जाने वाले तो धूप निकल गया, बट कोई नहीं, जैसे भी हो दिस ट्रिप वॉज ऑल ओवर अ गुड ट्रिप एंड या विल कम बैक हेयर ओवर सून अगेन इन आई एम एनी चांस आई गेट आई विल श्योरली कम बैक ओवर हेयर अगेन। एंड फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय क्यों करा, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय टू उदयपुर एंड उसके बाद उदयपुर से ट्रेन पकड़ के वी रेस्ट बैक दिल्ली एंड दिल्ली में मैंने 1-2 दिन रेस्ट लिया एंड उसके बाद ही आई हैड टू कैच अ फ्लाइट बैक टू बागडोगरा, क्योंकि ज़िंदगी जब मौका देती है ना तो उसे ऐसे गंवा नहीं करना चाहिए।